नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज आया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्या, लोगों की प्रैक्टिकल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जो आजकल हो रहा है। जैसे ये कोरोना का समय है, लगभग अब एक महीना हो गया, 24 तारीख, पिछले 24 तारीख को चालू हुआ था, आज ये आपका 24 हो गया। तो एक महीने से लगभग लोग, सारे लोग ही लगभग परेशान हैं, जो बिजनेस में हैं, जो नौकरी वाले हैं, कुछ लोगों की बिजनेस बंद हो गई, किसी की नौकरी जाने वाली है, या किसी को सैलरी बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आई हैं। प्रैक्टिकली हमने टीवी में भी देखा है और सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये लॉकडाउन ओपन होने के बाद नौकरियाँ जाएंगी, मतलब नौकरी से लोग निकाले जाएंगे या उनकी सैलरी में कमी होगी। ये एक व्यूअर है, इनका क्वेश्चन है। हो सके ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ या प्रॉब्लम उनके सामने भी कुछ आई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इन चीज़ को पूछा है और जानना चाहा है। तो देखिए, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सरकार अपना आंकड़ा कुछ अलग बताएगी, जो प्राइवेट वाले हैं वो अपना कुछ अलग बताएंगे, हमारा अपना देखने का नज़रिया अलग है जो हम आपके सामने रखेंगे। तो कोई परफेक्ट इसका आंसर नहीं होता है, मगर एक एग्जम्पशन होता है कि हाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो उसी पे आपका ध्यान हम आकर्षित करने वाले हैं और बता सकते हैं, ताकि आप इसको सोच के समझ के अपना जो फ्यूचर का स्टेप है या जो आगे आपको क्या करना है, अगर इसके अनुसार आप अपना डिसीजन लेते हैं तो ताकि आपकी दिक्कतें फ्यूचर में कम हो जाएंगी या कम हो सकती हैं। कम हो जाएंगी ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है, कम हो सकती हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, सही जानकारी है। जहाँ तक सैलरी कम की बात है, तो आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया हुआ है कि आपको पूरे साल में, ये साल पूरा जो आपका जाएगा उसमें 2 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह जो आपका जॉब है वो होगा, मगर उसका सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा। इसका लगभग पूरा साल का समझिए, तो 2 सप्ताह अगर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉई है उसका सैलरी एज ए कटौती के तौर पे इसको मान लीजिए, उसको नहीं मिलना। दूसरा, आपने देखा होगा जितने भी ट्रांसफर्स हैं, गवर्नमेंट का ये सर्कुलर है, जैसे जज का ट्रांसफ़र होता है, पुलिस का होता है या टीचर्स का होता है, ये पूरा एक खर्चीला चीज़ है जिसमें कॉस्टिंग आता है गवर्नमेंट का पूरा बंद हो गया है। यानी ये भी एक कॉस्ट कटिंग की तरफ नज़र जा रहा है। ट्रैवलिंग के मामले में आपने देखा दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी अननेसेसरी ट्रैवलिंग या नेता लोग या ऑफिशियल का जो ट्रैवलिंग था, पेट्रोल था और एसी तक का खर्चा में कटौती हुआ है। तो जब गवर्नमेंट जो लोगों से, गवर्नमेंट तो कुछ कमाती नहीं है, लोग जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स लेके या उसके सोर्सिंग के थ्रू कलेक्शन करके फिर गवर्नमेंट उसको खर्चा करती है, गवर्नमेंट का कोई अर्निंग का मोटिव नहीं होता है। तो जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सशक्त हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जैसे, जब ये डिसीजन ले सकते हैं, तो प्राइवेट वालों का क्या हाल होगा आप सोचिए। वो श्योर है कि अगर वो अपने कॉस्ट कटिंग करेंगे ही करेंगे, और कुछ लोगों को गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है, प्राइवेट वाले जॉब से निकालेंगे ही निकालेंगे, या इस कुछ जो है इस पे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये लॉकडाउन का बहाना होके सैलरी रोक के लोगों को निकालें, या जो बार्गेनिंग पॉइंट होता है कि अगर कोई 10,000 में काम कर रहा है उसको 5,000 में काम कराएं, क्योंकि उसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें बहुत आपका ध्यान दिलाना ज़रूरी था, जो कमी होगी। और उसके बाद चौथा जो कमी होगा वह हमारे सोशल अवेयरनेस या सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे पहले लोग बाहर जाते थे, होटल में जाते थे, खाते थे, पब में जाते थे, सिनेमा देखते थे, इन सारी चीज़ों में काफ़ी भारी कमी आने वाली है। लोग इसको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और अनसेफ के मामले से भी इसको अवॉइड करेंगे, तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो बिजनेस का मार्जिन बहुत कम होगा और जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो सकता है। अभी जैसे देखिए, आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में जो तेल भंडारण था, यानी तेल स्टॉक करने की कैपेसिटी थी, वो फुल हो गई है। आज अगर वो किसी को फ्री में भी अगर ऑयल दे दे तो उसका जान बचे, ऐसा पोजीशन आ गया है। मगर क्योंकि सारे शहर थम गए हैं, डिमांड एकदम कम हो गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस एकदम कम हो गए हैं। तो ये कुछ सिंपल था, जब अमेरिका जैसे कंट्री का ये हाल हो सकता है कि वो ऑयल मार्केट में उसका इतना कमांड था, पूरा चलाता था, वो जीरो हो सकता है, तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। मगर इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जिसका भी प्रिंसिपल ठीक है, यानी बिजनेस का जो गाइडलाइन होता है, जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो ठीक है, उसको 1-2 महीना की दिक्कत आएगी, मगर फिर वो रिकवर कर जाएगा। प्रॉब्लम उसके लिए है जो बिजनेस चल रहा है, अनऑर्गेनाइज था, अकेला ही सारा कुछ करता था, सोचता था मेरे जो है तो किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों का या तो बिजनेस डूबेगा,
या फिर वो एक महीना क्या 6 महीने में भी वो खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में हैं आप थोड़ा देख लीजिए और जो लॉकडाउन का पीरियड है उसका सही उपयोग कीजिए, उसमें रिसर्च कीजिए कि अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, और उसी फील्ड में कोशिश कीजिए कि बने रहें ताकि आपका बिजनेस ना डूबे, और आपका बिजनेस जब नहीं डूबेगा तो लोगों की नौकरियाँ भी नहीं डूबेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।